नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच चीन अब मंगल ग्रह पर अपने रोवर को भेजने की तैयारी में जुटा है। तियानवेन एक नाम से इस मिशन को चीन जुलाई या अगस्त के अंत में हेनान प्रांत में स्थित वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से भेजने वाला है। चीन के अलावा अमेरिका और यूएई भी मंगल ग्रह को लेकर अपने मिशन का ऐलान कर चुके हैं। तियानवेन 1 मिशन को चीन अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 से मंगल पर भेजेगा। इस रॉकेट का 3 बार सफल परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन तीनों बार रॉकेट पर कोई पेलोड यानी भार नहीं था। ऐसे में ये शंका बनी हुई है कि चीन का ये मिशन उसके पहले मंगल मिशन की तरफ फेल ना हो जाए। चीन ने मंगल ग्रह को लेकर 2011 में एक मिशन को लॉन्च किया था, जिसमें उसने रूस का भी सहयोग लिया था, लेकिन यह मिशन फेल हो गया था। चीन के इस अभियान को उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी माना जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बावजूद इस अभियान की तैयारियां जोरों पर है। चीनी मीडिया के अनुसार इस मिशन के जरिए मंगल ग्रह से वैज्ञानिक आंकड़े जुटाए जाएंगे। इसके लिए तियानवेन 1 में एक रोवर को भेजा जा रहा है। अमेरिका कार से भी बड़े आकार का रोवर भेज रहा है, जिसका नाम परसेवेरेंस है। ये वहाँ के चट्टानों के नमूने एकत्र पर विश्लेषण के लिए करीब एक दशक में धरती पर लाएगा। इसे सोमवार को जापान से प्रक्षेपित किए जाने का कार्यक्रम है। अभी तक अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने मंगल पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारा है, और उसने ये कमाल 8 बार किया। नासा के 2 लैंडर वहां संचालित हो रहे हैं, इनसाइट और क्यूरोसिटी। मंगल ग्रह के लिए चीन ने अंतिम प्रयास रूस के सहयोग से किया था, जो 2011 में नाकाम रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।